हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको पुणे रेलवे डिवीजन के लॉबी के नाम और उसकी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको रेलवे से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल रेलवे जोन। सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर CSMT मुंबई में है। इसके अंतर्गत 5 डिवीजन आते हैं। मुंबई रेलवे डिवीज़न, भुसावल रेलवे डिवीज़न, नागपुर रेलवे डिवीज़न, सोलापुर रेलवे डिवीज़न और पुणे रेलवे डिवीज़न। इस वीडियो में हम पुणे रेलवे डिवीज़न की बात करेंगे। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। यहाँ 77 स्टेशन हैं और यह 4 लॉबियों द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर A1 कैटेगरी के स्टेशन में पुणे जंक्शन आता है और ए कैटेगरी के स्टेशन में सांगली, मिराज जंक्शन, छत्रपति साहू महाराज टर्मिनस आता है। अब हम चारों लॉबी को देखते हैं। पहला लॉबी है पुणे जंक्शन, दूसरा है घोरपुरी, तीसरा है लोनावाला और चौथा है मिराज जंक्शन। सबसे पहले हम पुणे लॉबी देखते हैं। इसका स्टेशन कोड है PUNE। यहाँ पर अभी 57 ALP कार्यरत हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अब हम दूसरे लॉबी की ओर चलते हैं। यह है घोरपुरी। इसका स्टेशन कोड है GPR। यहाँ पर अभी 89 ALP कार्यरत हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और पुणे से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। अब हम तीसरे लॉबी की ओर चलते हैं। यह है लोनावाला। इसका स्टेशन कोड है LNL। यहाँ पर अभी 57 ALP कार्यरत हैं। यह भी महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और पुणे से इसकी दूरी 64 किलोमीटर है। अब हम चौथे लॉबी की ओर चलते हैं। यह है मिराज जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है MRJ। यहाँ पर अभी 55 ALP कार्यरत हैं। यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है और पुणे से इसकी दूरी 240 किलोमीटर है। इसी के साथ पुणे रेलवे डिवीजन के सभी लॉबी के नाम कंप्लीट होते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।